शुगर केन जूस। एक गांव में संतोष नाम का गन्ने का जूस बेचने वाला रहता था। वो बढ़िया गन्ने लाकर जूस बनाकर बेचता था। एक दिन संतोष के ठेले के पास बिल्लू नाम का व्यक्ति आया। एक ग्लास गन्ने का जूस कितने का है? 10 रुपए का है सर। ठीक है, एक ग्लास देना। संतोष ने उसे गन्ने का जूस दिया। बिल्लू ने उसे पीकर वो ग्लास दिखाकर, बहुत बढ़िया है, एक और देना। संतोष ने उस ग्लास को गन्ने के जूस से भरा। बिल्लू ने वो भी पी लिया। मजा आ गया, एक और देना। संतोष ने फिर डाला। इस तरह बिल्लू ने 20 बार भरवाया। पीकर संतोष के हाथों में 10 रुपए रखा। ये क्या, 20 ग्लास पिया है, कुल मिलाकर 200 रुपए हुए। 20 ग्लास? क्या बात कर रहे हैं सर, आपने तो मुझे एक ही ग्लास दिया था। आपने उसे 20 बार भरवाया था, याद है ना? तुमने तो कहा था ग्लास 10 रुपए का है, पर तुमने ये नहीं कहा था कि उसे जितनी बार भरेंगे उतने 10 रुपए देने होंगे। संतोष ने एक डंडा उठाया। चुपचाप पैसे देते हो या हड्डी पसली एक कर दूं? सर, मेरे पास पैसे नहीं है सर, मैंने समझा कि एक ग्लास 10 रुपए का है। सच्ची सर, मुझे खाना खाए 2 दिन हो गए हैं सर। ये 10 रुपए भी आपके जेब से गिरे थे तो मैंने उठा लिया था। मुझे अपने पास काम पर रख लीजिए सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। संतोष ने तरस खाकर, ठीक है काम पर रखता हूँ, पर तुम बिल्कुल भोले लगते हो, मन लगा कर काम करना। बिल्लू खुश होकर मान गया। उस दिन से संतोष गन्ने का जूस बनाता था तो बिल्लू लोगों को ग्लास में परोसता था। एक दिन संतोष, अरे बिल्लू मैं 2 घंटे के लिए बाहर जाकर आता हूँ, दुकान संभाल लेना, तुम गन्ने का रस निकालना जानते हो ना? जी हाँ, मैं क्यों नहीं जानता, आप जा आइए। संतोष चला गया। इस मशीन को कैसे चलाना है, यूं सोचकर झुककर इधर उधर देखने लगा। तभी कस्टमर आया। एक ग्लास गन्ने का जूस देना। बिल्लू ने एक गन्ना निकालकर उसे दिया। गन्ने का जूस मांगा तो गन्ना क्यों दे रहे हो भाई? इसे अच्छी तरह चबाइए सर, अब मुंह में ही इसका जूस बन जाएगा और जूस भी एकदम ताजा होगा। क्या बकवास कर रहे हो, जूस पीने आया तो इसे चबाने को कहते हो? वैसे भी मेरे दांत बहुत कमजोर हैं, मैं चबा नहीं सकता। तो ये बात है, तो ठीक है मैं चबाकर आपको जूस देता हूँ, रुकिए। कहकर गन्ने को मुंह में रखा। अरे तुम हो कौन, पागल खाने से भाग आए हो क्या? कहकर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद संतोष आकर, क्यों रे, सुना है कस्टमर्स को गन्ने देकर चबाने को कह रहे हो? अगर मशीन चलाना नहीं आता था तो मुझसे पूछ सकते थे ना, अरे अकल के अंधे। थोड़े दिनों बाद संतोष 10 दिनों के लिए अपने गांव गया तो बिल्लू गन्ने के रस का ठेला संभालने लगा। इतने में उस गांव में एक रीछ आया। लोग उसे देखकर डरकर भागने लगे। ये देख बिल्लू ने उन्हें रोककर, आप लोग बिल्कुल ना डरें, मेरे पास एक प्लान है जिससे ये रीछ हमें कुछ नहीं करेगा। अच्छा, जल्दी से कुछ करो भाई, लगता है कि वो भूखा है। बिल्लू ने उस रीछ को गन्ने का जूस का ग्लास दिखाया। रीछ उस ठेले के पास आया। उसने वो ग्लास रीछ को दिया। उस रीछ ने उसे पीकर कहकर सिर हिलाकर चला गया। सबने चैन की सांस ली। अगले दिन वो रीछ फिर आया। बिल्लू ने उसे गन्ने का ग्लास दिया। इस तरह रीछ हर रोज गन्ने का जूस पीकर चला जाता था। लोगों को भी उसकी आदत पड़ गई तो उसे देखकर कोई डरता नहीं था। एक दिन एक आदमी बिल्लू के ठेले के पास आकर, एक ग्लास जूस देना। बिल्लू ने उसे एक ग्लास जूस दिया। ये क्या, इतना छोटा ग्लास, अरे मुझे एक बड़ा घड़ा चाहिए। क्या सर, आप भी, कोई भी आदमी इतना जूस नहीं पी सकता सर।
अरे जानते हो तुम किसे बात कर रहे हो? मैं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का विलिपिन बोस हूँ। फूड चैलेंज और कूल ड्रिंक्स चैलेंज जीतकर कई बार मैंने लिम्का बुक रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज कराया है। उससे जीतने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो क्या आप किसी से भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? कोई भी हो आ जाए। बिल्लू घड़ी देखकर, तो 5 मिनट ठहरिए सर, जंगल से एक प्रतिद्वंदी आएगा, आप उससे गन्ने का रस का मुकाबला करके जीते तो जाने। लिपिन मान गया। कुछ देर बाद, ये क्या अभी तक नहीं आया? वो देखिए सर, आपके पीछे ही खड़ा है। लिपिन ने पीछे मुड़कर देखा, वहां रीच खड़ा था। ये देखकर लिपिन भौचक्का रह गया। बिल्लू ने लिपिन और रीच को एक एक बड़ा जार गन्ने का जूस दिया। दोनों उसे पीने लगे। बिल्लू मशीन से गन्ने का जूस निकालने लगा और उसे उनके जार में डालने लगा। वे उसे पी रहे थे। इस तरह कई जार पी गए। लिपिन का पेट बैलून की तरह फूलने लगा। रीच गन्ने का जूस पीता ही जा रहा था। लिपिन से और पिया नहीं गया तो वो थक कर नीचे गिर गया। तभी संतोष गांव लौटा। ये क्या हो रहा है? सुना है कि तुम इस रीच को गन्ने का जूस की आदत डाल चुके हो। अरे हाँ, सवेरे मिथुन ने कहा था कि उसने एक ट्रैक्टर भरकर गन्ना भेजा है, पर यहाँ तो वो दिखाई नहीं दे रहे। तभी इतना जूस बेच दिया क्या? नहीं सर, ये अपने आप को चैंपियन कहकर डिंगे मार रहा था। तो मैंने इसका रीच के साथ गन्ने के जूस का मुकाबला करवाया है, उससे वो सारे गन्ने खत्म हो गए। अरे मैंने सोचा कि उस रीच को एक ग्लास ही तो दे रहे हैं, चलो जाने दो, पर अब तुमने उसे मुकाबले के चक्कर में एक घड़े भर भर कर पिलाने लगे हो। अब इसकी आदत पड़कर अगर इसने हर रोज इसकी मांग की तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। तभी रीच ने डकार मार कर ग्लास दिखाकर करने लगा तो संतोष बेहोश हो गया और बिल्लू वहां से भाग गया। स्पोर्ट्स बाइक। एक गांव में एक इंजीनियरिंग कॉलेज था। उस कॉलेज में अविनाश नाम का लड़का 7 सालों से इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। वो क्लास में नहीं जाता था, वो सिर्फ कॉलेज के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर जूनियर्स का रैगिंग करता रहता था। उसे बाइक का बड़ा शौक था। जूनियर्स को डराकर उनके बाइक्स छीनकर वो चलाता था। अपने पिताजी परमेश को वो हर रोज बाइक खरीदने के लिए तंग करता रहता था। अरे बेटा, 7 साल से इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, किसी एक सब्जेक्ट में भी एक मार्क भी नहीं लेके आए, सब में 0 ही हैं। लोग तो मुझे वैसे ही कोस रहे हैं कि मैं फालतू में तुम्हें फीस भर कर पढ़ा रहा हूँ। अब अगर मैंने तुम्हें बाइक खरीद कर दिया तो वो मेरे मुंह पे थूकेंगे। एक बार अविनाश उस पेड़ के नीचे बैठकर एक के साथ चेस खेल रहा था कि उसे एक फोन आया। एक लड़की, गुड मॉर्निंग सर। अरे कोई लड़की गुड मॉर्निंग कह रही है फोन पर। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग, कहिए। सर मैं दकोता बाइक कंपनी से बात कर रही हूँ। हमारी कंपनी के सालगिरह के अवसर पर निकले गए लकी ड्रॉ में आपके फोन नंबर पर एक 10 लाख की कीमत वाला स्पोर्ट्स बाइक निकला है सर। बिल्कुल खुश होकर, क्या मुझे स्पोर्ट्स बाइक मिला है? थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। कहाँ आकर लेना होगा? सर पहले प्रोसेसिंग फीस के लिए आपको 1 लाख रुपए भरना होगा। हम आपको हमारा अकाउंट नंबर देते हैं, आपने अगर कल तक वो रकम जमा किए तो 1 हफ्ते के अंदर आपको बाइक डिलीवर हो जाएगा सर। कल तक 1 लाख रुपए भरना होगा? जी हाँ, नहीं भर सकते तो कहिए, हम किसी और को दे देते हैं। अरे ऐसा ना करें, मैं भरता हूँ, 1 लाख ही तो है। वैसे बाइक का विवरण दें, यानी कितनी सीसी की है, पिकअप स्पीड वगैरह वगैरह। सर ये फुल्ली मैनुअल बाइक है, आप जितना चाहे एडजस्ट कर सकते हैं सर सीसी को। रही बात पिकअप और स्पीड की, तो आपकी हिम्मत है सर। अच्छा, थैंक यू वेरी मच मैडम, कल ही मैं आपको पैसे डिपॉजिट करता हूँ। फोन काट कर अविनाश, अभी के अभी 1 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? पिताजी तो देने से रहे। यूं सोच रहा था कि जमींदार का बेटा मोटू पैसे लेकर कॉलेज जा रहा था। अविनाश ने उसे पास बुलाकर, अरे क्यों रे मोटू, पैसे लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे कॉलेज फीस भरने जा रहा हूँ चाचा। अबे मैं जो कहता हूँ ध्यान से सुन, तेरे पिताजी तुझे बाइक इसलिए नहीं खरीद कर देते क्योंकि तू बाइक नहीं चलाना जानता। मेरे पिताजी इसीलिए खरीद कर नहीं देते क्योंकि मैं एग्जाम्स में पास नहीं हुआ। इसीलिए अगर तू फीस के पैसे 1 लाख रुपए
मुझे देगा तो मैं 10 लाख वाला स्पोर्ट्स बाइक तुझे एक हफ्ते में दूंगा। तब तू मेरे पीछे बैठकर हम दोनों मजे से बाइक में कॉलेज जा सकते हैं। तू जहाँ चाहेगा मैं तुझे ले जाऊंगा। क्यों, क्या कहते हो? थोड़ी देर सोच कर। ठीक है, पर उस बाइक के आते ही तुम मुझे जमीन पर पैर रखने नहीं दोगे? नहीं तो तुम तो मुझे जानते ही हो। कहकर उसे पैसे दिए। अविनाश ने खुश होकर वो पैसे लिए और एक हफ्ते बाद कॉलेज में मोटू और उसके दोस्त अविनाश की राह देख रहे थे। थोड़ी देर बाद दीवार के पीछे से अविनाश स्पोर्ट्स बाइक पर आ रहा था। अरे वाह, मॉडल तो बहुत बढ़िया है, पर वो इतने धीरे क्यों आ रहा है? अरे नया बाइक है ना, गियर खराब हो जाएगी इसीलिए धीरे चला रहा है। इतने में वो गाड़ी नजर आई। देखा तो अविनाश पेडल मारता हुआ आ रहा था। सब चौंक गए। अविनाश वहां आकर मोटू से, मैं ठगा गया चाचा, मैं नहीं जानता था कि मैनुअल बाइक का मतलब है साइकिल को ही बाइक का बॉडी लगाना। मुझे तो तभी शक हो जाना चाहिए था जब उसने पिकअप और स्पीड मेरी हिम्मत कहा था। उस लड़की का फोन नंबर भी काम नहीं कर रहा है। वो सब मैं कुछ नहीं जानता। जब तक तुम मेरे पैसे नहीं भरते, तुम्हें मुझे इसी तरह इसी में घुमाना होगा, नहीं तो मेरे पिताजी से मैं कह दूंगा, वो तुम्हें जेल भेज देंगे। अविनाश डर गया। उस दिन से मोटू को उसके घर से इस बाइक पर पिकअप करता था। वो जब यूं मोटू को बिठाता, साइकिल चलाता हुआ जाता तो लोग उन्हें देखकर हंसते थे। जब वे कॉलेज आए तो एक लड़की, धूम 5 फिल्म इनको लेकर बना सकते हैं। सब जोर से हंसे। अगले दिन अविनाश मोटू के घर पर गया तो वहाँ मोटू के साथ साथ एक मोटा लड़का स्कूल बैग लिए खड़ा था। ये मेरा छोटा भाई है छोटू, आज से हम इसे स्कूल पर ड्रॉप करके फिर कॉलेज जाएंगे। अविनाश दंग रह गया। ये लोग खाते क्या हैं? और दोनों हाथी मेरे साथी हैं। मैं इन्हें लेकर साइकिल चलाऊंगा तो मैं स्वर्गवासी हो जाऊंगा। तभी छोटू, मैं आगे बैठूंगा। अविनाश ने सोचा, ये आगे बैठेगा तो मुझे दिखाई क्या देगा। यूं अविनाश हर रोज उन्हें बिठाकर घुमाता था। छोटू को स्कूल में और मोटू को कॉलेज में ड्रॉप करता था। वे दोनों रास्ते में साइकिल को रुकवाकर दोनों केले खाते थे। अरे वैसे ही इन्हें बिठाकर चलाना मुश्किल है, ऊपर से केले खाकर 2 किलो वजन और बढ़ाते हैं, कहकर सिर पीट लिया। यूं हर रोज उन्हें स्कूल और कॉलेज ले जाने से अविनाश का हालत खस्ता हो गया। एक दिन अविनाश अपने पिताजी को सब कुछ बताते हुए, डैडी आपके पांव पड़ता हूँ, मैं दिन रात पढ़कर सारे सब्जेक्ट में पास हो जाऊंगा, पहले 1 लाख रुपए देकर उन हाथियों से मुझे बचाइए। परमेश ने अपने बेटे पर रहम खाकर पैसे दिए। उस दिन से अविनाश मन लगाकर पढ़ने लगा और एक ही साल में सारे एग्जाम पास कर लिया। उसके इंजीनियरिंग का डिग्री देखकर परमेश ने खुश होकर अच्छा स्पोर्ट्स बाइक खरीद कर दिया।